नाना जी, आज सूरज डूबने से पहले नानी को ये इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मंगाता हूँ। जाओ शिवा, इसे जल्दी मेडिकल स्टोर से ले आओ। ये किसी मेडिकल स्टोर में नहीं है, मैंने खुद ही यहाँ आने से पहले पूछा था। मैं इतने दिनों से नानी का इलाज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि उन्हें किस दवा की जरूरत है। तो अब क्या करें? वीनस सिटी जाकर ये दवा लानी होगी, वो भी सूरज डूबने से पहले, वरना नानी जी को सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब, मैं वो दवा लेकर आऊंगा। शिवा, तुमने सुना अपने वेदा सिटी में? चैन से रहना है तो जाग जाओ। वेदा सिटी में तूफान ने मचा रखी है तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें जाम हैं, रेलवे ट्रैक्स जाम हैं, दूसरे शहरों से जोड़ने वाले सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वेदा शहर एक टापू बन चुका है, अब बाय एयर ही आया जाया जा सकता है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। शहर के मेडिकल स्टोर्स में दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, दुकानों में राशन खत्म हो रहा है। क्या होगा वेदा सिटी का, देखिए हमारी खास रिपोर्ट रात 8 बजे। शिवा, तुम इतनी दूर कैसे जाओगे? अगर कोई और साधन नहीं मिला तो मैं अपनी साइकिल से जाऊंगा और शाम तक दवा लेकर ही आऊंगा, लेकिन पहले मैं लड्डू सिंह जी से हेल्प मांगता हूँ। शिवा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, और वेदास न्यूज चैनल वालों का हेलीकॉप्टर भी इस वक्त रिपेयरिंग में है। लेकिन शिवा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि तुम्हें अपनी जीप में बिठाकर वहाँ तक तेजी से भेज दूंगा जहाँ तक रोड जैम है। ओके, थैंक यू सर। कुछ तो टाइम बचेगा, उसके आगे मैं देख लूंगा। सॉरी शिवा, अब इसके आगे जीप नहीं जा सकती, लेकिन मैं देखता हूँ इसके उस तरफ अगर कोई साधन होगा तो शायद तुम्हें बस ट्रक में लिफ्ट मिल जाए। यहाँ तो कई किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है। सॉरी शिवा, उस पार तो बहुत लंबा जैम है। अरे अरे अरे, ये अंधेरा कैसे हो गया? मैं कहाँ हूँ? अरे अरे, मैं कहाँ आ गया? मैं गुफा में गिर गया हूँ, किसी टनल में चला गया। ओहो, कुछ नहीं हुआ लड्डू सिंह जी, आप सुरक्षित हैं। सुनो शिवा, तुम अपनी साइकिल हेलीकॉप्टर मोड पर उड़ा कर लेकर जाओ। वो तो बैटरी से चलती है रेवा, उसकी बैटरी काफी छोटी है, उसमें बड़ी बैटरी नहीं लग सकती। वो तो बस इमरजेंसी में 2-4-6 किलोमीटर तक उड़ने के लिए है, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगी। लेकिन मैं देखता हूँ, बाय। रेलवे ट्रैक पर साइकिल चलाऊंगा तो साइकिल तेज चलेगी और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा।
अब हो गया ग्लूटायर ऑन। अब ये रेलवे ट्रैक पर चिपक के चलेगी। ये क्या आ रहा है? आहा, बड़ी अच्छी साइकिल चलाते हो तुम। कहाँ जा रहे हो? वीनस सिटी। इस साइकिल से वीनस सिटी तक पहुँच जाओगे? हाँ, इस साइकिल में बहुत सारी खूबियां हैं। ये उड़ सकती है, तेज चल सकती है और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं इसमें। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। अब तुम ऐसा करो, ये साइकिल यहीं छोड़ दो। नहीं, मुझे अपनी नानी की दवा लेने जाना है। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम अपनी साइकिल रखो और जेब के पैसे भी निकालो। दवा लेने जा रहे हो तो पैसे भी तुम्हारे पास जरूर होंगे। है? लाओ, जल्दी निकालो। और ना दू तो ये लाठी देखी है बच्चे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। हेलो, चंदू, सोहन, मोदी, बिल्लू। हाँ बस। एक लड़का टनल पार करके आ रहा है, उसे पकड़कर उसकी साइकिल छीन लो। उसने मुझे मारा है, वो भाग कर ना जाने पाए। ओके बॉस। क्या हुआ, पकड़ लिया उसे? नहीं बॉस, वो तो हमारा ही पीट पीट के पाजामा ढीला कर गया। हेलो शंकरा। ओके बॉस, आने दो उसे। Ah!
मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। ये लो, तुम अपना पर्स ले लो, अपनी साइकिल भी जीप से उतार के ले जाओ और मुझे छोड़ दो। तुम लोगों के अकल के दरवाजे हमेशा शाकाल के बिगड़ने के बाद ही क्यों खुलते हैं? आपने भेजा ही क्यों मेरे शिवा को? उतनी दूर बिना सिटी तक कैसे जाएगा मेरा शिवा? उसे कुछ नहीं होगा नानी, आप चिंता मत कीजिए। अगर जल्दी हेलीकॉप्टर रिपेयर हो गया तो हम लोग जाकर शिवा को ले आएंगे। मुझे मारा, मेरे आदमियों को भी मारा, अब ये लड़का वीनस सिटी नहीं पहुंच सकता। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे वो साइकिल और पैसे नहीं चाहिए, लेकिन वो लड़का जरूर चाहिए। किसी भी कीमत पर ठीकारा कभी हार नहीं मानता। हेलो चंदू, एक लड़का साइकिल से बहुत तेजी से उस तरफ आ रहा है, उसे छोड़ना मत। ओके बॉस। लगता है उसी आदमी ने मेरे स्वागत पानी का बराबर इंतजाम किया हुआ है। सिटी आ गया हूँ। ओह यस, नाना जी, शिवा विनस सिटी पहुँच गया है। देखना, शिवा सूरज डूबने से पहले ही आ जाएगा। यस। वो तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वरना मैं एक बार गांव में ऐसे ही अपनी दादी की दवा लाने निकला था। 100 किलोमीटर दूर जाना था। मैंने जो साइकिल चलाई। अब फेंकना बंद करो फेकुचन, हमें मालूम है तुमने कैसे साइकिल चलाई। बात है, इतने क्यों हाँफ रहे हो? भाग कर आए हो क्या? हाँ सर, मैं वेदास सिटी से आया हूँ साइकिल चलाकर। क्या, वेदास सिटी से? वो भी साइकिल चलाकर? रोड जाम है, रेलवे ट्रैक जाम है, फिर आखिर तुम साइकिल चलाकर आए कैसे? सर, वो सब मैं फिर कभी बताऊंगा। पहले तो आप मुझे जल्दी से ये इंजेक्शन और ये दवाइयाँ दे दीजिए, मुझे शाम होने से पहले वापस पहुँचना है। उसी इंजन के ड्राइवर है जिस इंजन का ब्रेक फेल हो गया था? हाँ हाँ, वही हूँ। और क्या तुम शिवा हो? हाँ अंकल। थैंक यू शिवा, तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुमसे मिल नहीं पाया था, पर मैंने न्यूज में सुना था तुम्हारे बारे में। मैं तुमसे मिलना चाहता था, अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। ओके अंकल, अब मैं चलता हूँ, मेरी नानी बहुत बीमार है। ये दवा लेकर साइकिल से वेदा सिटी पहुँचना है,
वो भी सूरज ढलने से पहले। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें अपनी ट्रेन लेकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक ट्रैक जाम नहीं है। कुछ टाइम तो बच जाएगा तुम्हारा, हैं? चलो। बॉस, वो लड़का ट्रेन में जा रहा है। अब कहाँ जाएगा बच के? पीछा करो, मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या, फिर से मेरे पीछे पड़ गए? शुभ काम में मुझे भी हाथ बटाने दो शिवा, मैं भी मारूंगा। अंकल, मैं आपको अंडे टमाटर नहीं मारूंगा। अच्छा? इससे अच्छा तो अंडे ही मार लेते। शाम होने को है और शिवा की कोई खबर भी नहीं। हाँ, वो रास्ते में ही है, आता ही होगा। अंकल, अब क्या करें? यहाँ तो ट्रैक जाम किया हुआ है। कुछ नहीं होगा शिवा, आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। अब नहीं छोड़ूंगा। इंकारा ने हार मानना नहीं सीखा। I'm sorry शिवा, ट्रेन इससे आगे नहीं जा सकती। थैंक यू सर, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। आपकी वजह से मेरा काफी टाइम बच गया। अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, केवल 10 मिनट बाकी है। अगर शिवा इन 10 मिनट में नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। Yeah.
ये लीजिए इंजेक्शन। शिवा कहाँ है? तुम्हारे पास नानी, और कहाँ?